बागेश्वर जिले में टेक्सटाइल प्रिंटर के तहत कुमाऊनी ऐपण कला का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं कुमाऊनी ऐपण कला को सीखकर स्वरोजगार अपना सकें। कुमाऊं की ऐपण कला देशभर के साथ ही विदेशों में भी जानी जाती है। जन शिक्षण संस्थान और टेक्सटाइल प्रिंटर से 20 महिलाओं को ऐपण कला की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। ऐपण कला को धार्मिक और सांस्कृतिक लोक कला के तहत GI टैग मिला है। प्रशिक्षक कंचन उपाध्याय ने बताया कि पूजा कक्ष से लेकर संस्कार संपन्न कराने में ऐपण का महत्व है। जन शिक्षण संस्थान द्वारा हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी पड़ोसी महिलाओं को 20 महिलाओं को ऐपण आर्ट की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो एक बहुत अच्छा अवसर है अपनी अंदर की कला को निखारने का। और यहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं और बहुत अच्छा इन्होंने कम टाइम में भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं इन सबकी आभारी हूँ कि इन्होंने सीखने की इनके अंदर जो लालसा है उसको इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐपण कला के रूप में निखारा है। कुमाऊं की ऐपण कला की अब देश विदेश में मांग भी होने लगी है। ऐपण कला सीखने से महिलाएं इसे अपना रोजगार का जरिया भी बना रही हैं। ऐपण से विभिन्न यंत्र और अभिरूप बनाने की परंपरा है। चावल, गेहूं का आटा, सूखी मिट्टी के रंग, रोली, हल्दी का प्रयोग ऐपण बनाने में किया जाता है। जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर द्वारा यहाँ भागीरथी पे ऐपण आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण कंचन मैडम के द्वारा दिया जा रहा है पे। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को महिलाएं आगे बढ़ाएं और इसी के साथ महिलाओं को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिल रहा है और इस अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। महिलाएं ऐपण कला की बारीकियां सीखकर हुनर को निखारने में लगी हैं। ऐपण एक तरह से भारतीय चित्रकला की विशेषता है। रेखाएं ही मूल रूप से लयबद्ध होकर किसी भी आकार को रूप देती हैं। ऐपण कला के तहत चौकियों, पूजा की थाली, गमछे, जूट के बैग, फ्रेम आदि डिजाइन सिखाए जा रहे हैं। ऐपण की बारीकियों को सीखने पर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। उसमें हम यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसको करके और अपनी अंदर की कला को बाहर निकालने का जो एक मौका मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत आनंदित भी हैं और कहते हैं धन्यवाद भी बहुत बहुत देना चाहते हैं।